गोल्ड जीतता तो रिटायरमेंट लेता तुर्की का ए सुपर गोल शूटर अनोखे अंदाज की चल रही है बात। 2024 की शुरुआत के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों का जमावड़ा लगता है। मेडल जीतने की उम्मीद से ओलंपिक के मैदान में उतरे खिलाड़ी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए खिलाड़ी महंगे उपकरण की मदद लेते। मगर इसी बीच तुर्की के यूसुफ डिकेज बेफिक्र अंदाज में एंट्री लेते, आंखों पर नॉर्मल चश्मा और एक हाथ जेब में डालकर सुपर कूल स्टाइल में पिस्टल उठाते और निशाना लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लेते। यूसुफ का यह अंदाज काफी लोगों को पसंद आ गया। अब सवाल है कि क्या 51 वर्षीय यूसुफ आगे ओलंपिक में दिखेंगे या नहीं, इसका जवाब खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया कि क्या था यूसुफ का जवाब जानिए। तुर्की के सेना में रह चुके यूसुफ 2008 से ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार ओलंपिक में उन्होंने पहली बार मेडल जीता है। ऐसे में जब यूसुफ से पूछा गया कि क्या आप ओलंपिक से संन्यास लेंगे तो उन्होंने दो शब्द बोले टूक और जवाब दिया कि अगर उन्हें गोल्ड मेडल जीता तो जरूर संन्यास लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ इसलिए वो आगे भी ओलंपिक में खेलते रहेंगे। सुपर कूल पोजीशन पर बोले यूसुफ। ओलंपिक में अपनी सुपर कूल पोजीशन पर बात करते हुए यूसुफ ने कहा कि वो ऐसी पोजीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ, मेरे शरीर स्थायी रहता है। ओलंपिक के दौरान मैं बाहर से काफ़ी शांत दिखा रहा था लेकिन मेरे अंदर तूफान उठा रहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पोजीशन इतनी मशहूर हो जाएगी। यूसुफ डिकेज की ओलंपिक में 23 साल की जर्नी पर बात करें तो उनका शूटिंग का अनोखा अंदाज पिछले दो दशकों की मेहनत का ही परिणाम था। यूसुफ ने 2001 में शूटिंग का खेल में कदम रखा था, वो 2008, 2012, 2016 और 2020 की ओलंपिक में किस्मत आजमा चुके, मगर उन्हें निराशा ही हाथ में लगी। यूसुफ का कहना है कि मैं पिछले कई सालों से हर रोज 4-5 घंटे तक शूटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो 2028 में गोल्ड मेडल जीतकर लाऊंगा।